नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर भारत में माहौल सर्द है लेकिन धार्मिक माहौल बेहद गर्म। इन सब के बीच 2019 का काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है और राम मंदिर पर आगे क्या होगा, सबके जेहन में यही सवाल है। लेकिन उत्तर भारत दिल्ली से कई सौ किलोमीटर दूर इस वक्त हम मौजूद हैं हैदराबाद में, और यहां पर एक ऐसा शख्स है जो उत्तर भारत की राजनीति को सीधे तौर पर प्रभावित करने की ताकत रखता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं AIMIM के सांसद और अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का। आपका बहुत स्वागत है प्रेस कॉन्फ्रेंस में सर। हम आपके घर, आपके शहर हैदराबाद में हैं, लेकिन सवाल हमारे बेहद तीखे और तल्ख होंगे। पहला सवाल ओवैसी साहब आपसे ये है कि क्या आप सिर्फ मुसलमानों की राजनीति करते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऑन रिकॉर्ड कई मरतबा कहा है और आज भी कह रहा हूँ कि मुझे हरगिज शौक नहीं है, ना मेरी नीयत है कि मैं मुसलमानों का नेता बनूं। लेकिन आपके हर भाषणों में हम देखते हैं कि आपकी यही कोशिश होती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब भाषणों में अगर आप लोग पिक एंड चूज करके जो आपको मज़ेदार लगेगा, जो जिससे TRP का फ़ायदा होगा, अगर आप उसको करेंगे तो फिर मैं रोक नहीं सकता, वो आपका अख्तियार है। मगर यकीनन मेरी कोई ऐसी कोई नीयत नहीं है, ना मेरी आरजू है कि मैं उस तरह का जो आप कह रहे हैं कि मैं नेता बनूँ या फिर मैं हिंदू मुस्लिम या इस तरह की सियासत करता हूँ। लेकिन बहुत सारे आपके बयान ऐसे हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूंगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा 2019 के चुनावों के ठीक पहले नरेंद्र मोदी की सरकार ने सवर्ण आरक्षण बिल संसद से पास करा लिया, आप विरोध में खड़े रहे, क्यों? इसलिए खड़ा हुआ मैं क्योंकि ये हमारे संविधान में आर्टिकल 15 और 16 में इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का जिक्र ही नहीं है। अच्छा चलिए, अगर मान भी लिया जाए कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को आपने अब अमेंड करके डाल दिया, आप कैसे प्रूफ करेंगे उसको? आपको सोशल बैकवर्डनेस से ही तो प्रूफ करना पड़ेगा ना। रिजर्वेशन इसलिए दिया गया हमारे संविधान में और संविधान बनाने वालों में, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया, कि उन लोगों से इंसाफ किया जाए जिनसे अनटचेबिलिटी हुई, जिनसे डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिन पर जुल्म हुआ हजारों साल तक। अब आप मुझे बताइए कि सोशल बैकवर्डनेस कैसे प्रूफ करेंगे आप? आपने पूरे फॉरवर्ड ग्रुप्स को, क्रास को, रिलीजन को डाल दिया इसमें। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपका बैकवर्डनेस का क्वांटिफायबल डेटा क्या है? देखिए, सोशल बैकवर्डनेस के लिए आपको बताना पड़ेगा कि इनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। लेकिन आपने इसका विरोध करके ये तो दिखा दिया ना कि आप भी अपनी राजनीति चमकाने में नहीं, राजनीति माहिर माने जाते हैं। बिल्कुल नहीं है, और वही हमने देखा भी संसद में आपके भाषण के दौरान। नहीं, मैंने अगर मुसलमानों को भी आरक्षण मिल रहा है इसके जरिए तो आपको दिक्कत क्या है? मुसलमानों को नहीं मिलेगा, ये एक जो हम उर्दू में कहते हैं गाजर की पुंगी है ये, और ये कोर्ट में अटक जाएगा क्योंकि पहले तो आप 50% के ऊपर जा रहे हैं। तीसरी बात यह है, 2.5 लाख तक तो इनकम टैक्स स्लैब है ना, उसके बाद इनकम टैक्स देते हैं आप, तो 8 लाख जिसका होगा वो भी गरीब, कहाँ टिकेगा ये? बताइए किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं आप लोग? तो अगर इसमें कुछ संशोधन आपको चाहिए होते तो आप उसका विरोध कर? संशोधन देने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ ना। आपने 2 घंटे पहले पार्लियामेंट में बिल टेबल कर दिया, 2 दिन का टाइम मिलता है हर बिल को पार्लियामेंट में पेश करने के बाद, ये रूल्स में लिखा है। मगर स्पीकर साहिबा ने अपने डिस्क्रिशनरी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नहीं ठीक है टेबल कर दो, तो कौन सा अमेंडमेंट दे पाएंगे हम लोग? तो सरकार को अगर लाना था तो आप लाते इस सेशन के शुरुआत में। ये कानूनी टेस्ट पास नहीं करेगा, ये बाबा साहिब अम्बेडकर, बाबा साहिब टेस्ट में भी पास होंगे, बाबा साहिब अम्बेडकर की तौहीन है, क्योंकि रिजर्वेशन इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पर नहीं दिया जा सकता। तो आपको लग रहा है कि 2019 की राजनीति चमकाना चाहते हैं इसके जरिए प्रधानमंत्री? नहीं, 2019 भी है, और इनको सबसे बड़ा डर यह है कि मध्य प्रदेश में, राजस्थान में अपर कास्ट हिंदूज ने इनको वोट नहीं दिया, नोटा दबाया, तो इनको फिक्र लाहक हो गई कि भैया अब हमारा क्या होगा। तो इसीलिए जिस तरह डिमोनेटाइजेशन का फैसला लिया गया था, मैंने जल्दबाजी में, जिसका नुकसान खमियाजा मुल्क आज ही भुगत रहा है, कभी चले मोदी, लेकिन उसके बाद वो चुनाव भी जीते उत्तर प्रदेश, और आपने देखा उत्तराखंड, 5 राज्यों में किस तरह से अभी 3 तलाक भी तो हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में। 3 तलाक पर आपको बड़ा दर्द होता है? हाँ। क्यों? इस्लाम में एक शादी कॉन्ट्रैक्ट है। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे दोस्तों में जो है, हम उनको बताते हैं कि भाई ये आपके पास जन्म जन्म का साथ है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि ट्रिपल तलाक से शादी नहीं टूटेगी अगर कोई मुसलमान करता है, वो तो लॉ बन गया। आप लॉ ये बना रहे हैं कि अगर कोई बोलता भी है तो शादी नहीं टूटेगी, उसको हम जेल को भिजाएंगे।
मैं ये बताना चाह पूछना चाह रहा हूं कि भाई उस औरत को क्यों राइट नहीं मिलेगा छोड़ने का उसके हस्बैंड को, और अगर वो बेवकूफ वो पागल आदमी अगर ट्रिपल तलाक एक बार कह भी देगा आप उसको जेल भिजा देंगे, कोई जेल में बैठकर सबसेशन अलाउंस देगा? वो निकलता है जेल से बाहर तो क्या औरत वहां खड़े होकर बोले कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है? 3 साल तक तो कौन ख्याल रखेगा? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इस एक्ट से पावरफुल है, वो उस औरत को राइट भी देता है कि उसके घर में रहे, उस औरत को राइट देता है कि उसको फाइनेंशियल उसका प्रोटेक्शन करे। हम यही कह रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है। मानसिक रूप से कितना प्रताड़ित कर दिया जाता है ऐसी स्थिति में, आप तो इस बात को अच्छी तरीके से समझते हैं। देखिए एक बात याद रखिए, मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में ऐसे तमाम मर्द हैं जो मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू में भी है, क्रिश्चियन में भी है, सिखों सब उस धर्मों में जो औरतों पर जुल्म करते हैं। मैं आज भी आपके प्रोग्राम के जरिए बीजेपी को चैलेंज करके कह रहा हूं कि आपने 20 सितंबर को ऑर्डिनेंस जारी किया, राइट? 20 सितंबर से दिसंबर 11 तक कितने खवातीन ने उस ऑर्डिनेंस के जरिए कानून इस्तेमाल किया, बताइए आप? मुझे लग रहा है ओवैसी साहब, दरअसल दिक्कत इस बात की है आपको, क्योंकि मोदी सरकार इसको लेकर आई है, आपको दिक्कत सिर्फ इसी बात की है। कोई और होता तो शायद आप उसके समर्थन में खड़े नहीं खड़े होते, हरगिज नहीं होते। हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं, ये दिखाता है कि आप लोगों की पुरुष मानसिकता उस समाज से, उस समुदाय से गई नहीं है। आप तो मैं आपके सामने बैठकर कह रहा हूं कैसे पुरुष हैं और आप ऐसा कह रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर हिंदू मैरिज एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस अगर किसी हिंदू पर लगता है और कोर्ट सजा देता है उसको, तो 1 साल और मुझे 3 साल, क्या ये वायलेशन है राइट टू इक्वालिटी का? तो यही चीजें तो महिलाओं के संदर्भ में भी लागू होती हैं, ये हिंदू महिलाओं के लिए जो नियम कायदे कानून संविधान या कोर्ट की ओर से तय किए गए हैं वही मुसलमानों में भी हो, उस पर आप लोगों को बड़ी तीखी मिर्ची लग जाती है। हिंदू मैरिज एक्ट में ये साफ लिखा हुआ है कि ये हिंदू मैरिज एक्ट शेड्यूल ट्राइब्स पर नहीं लगेगा। लगाइए, चलिए आप आगे यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। आपको मैं बता रहा हूं डिवोर्स का तरीका क्या है हमारे मुल्क में। आप आसाम में चले जाइए, दो खवातीन एक मर्द और एक बीवी खड़े होकर एक दूसरे पर दो पत्थर फेंकते हैं, डिवोर्स हो गया। आंध्र प्रदेश में चलिए, फिर 3 तलाक से महिलाएं खुश क्यों हैं? मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे मुल्क की डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना भी हमारा हिस्सा है। हम आपसे कह रहे हैं कि हम भी मानते हैं कि ट्रिपल तलाक एक सोशल इवल है। मैंने बहुत सारी रिपोर्टिंग इस पर की है 3 तलाक पर, मुस्लिम महिलाओं का ऐसा दर्द देखकर सामने आया कि हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप जैसे इतने इंटेलिजेंट लोग भी इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं और आप लोग इसका विरोध क्यों करते आपसे हैं? चार चार पांच पांच बच्चों के साथ महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, चाय में चीनी कम पड़ गई या कुछ और हो गया तो छोड़ दिया जाता है 3 तलाक के बाद। ऐसे महिला भी है जो करवा चौथ का रोजा भी रखती है कि मुझे दिल्ली में आकर अपने हस्बैंड के साथ रहना है, उनकी फिक्र क्यों नहीं करते आप लोग? हिंदुस्तान में डेटा है 24 लाख मैरिड वुमेन डिजर्टेड हैं, जिसमें 20 लाख हमारी हिंदू बहनें हैं। आपने कानून बना दिया ना, इससे होगा क्या? इससे डिजर्शन का इजाफा होगा? हम कह रहे हैं कि इस्लाम में कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप कंडीशन लगाइए जो हमारे तेलंगाना में है कि कोई मुस्लिम मर्द अगर अपनी वाइफ को एक ही वक्त में ट्रिपल तलाक देता है तो जो मेहर का अमाउंट है मिसाल तौर पर अगर वो 50,000 है उसको आप 5 दुगना कर दीजिए, और अगर रीजनेबल टाइम में नहीं देगा वो उसको जेल भिजाइए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ फिर आपके यानी कि मुस्लिम समुदाय की जो महिलाएं हैं वो 3 तलाक को लेकर खुश क्यों हैं? 3 करोड़ मुस्लिम महिलाओं ने लिख कर दिया है कि हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। 8.5 करोड़ मुस्लिम महिलाएं हैं देश में, वही तो कह रहा हूँ, लिख कर विद साइन करके दिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, उनका नाम पता एड्रेस टेलीफोन नंबर के साथ लाखों मुस्लिम महिलाएं रोड पर निकली है पहली मर्तबा इस बिल के विरोध में। ये हम कह रहे हैं कि भाई आप समझिए इस बात को कि ये कॉन्ट्रैक्ट है, शादी एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंडीशन लगाइए। लेकिन एक चीज बताइए ओवैसी साहब, अगर मान लीजिए पुरुष जिस भी वजह से, चाहे उसका खुद का मन करे या दूसरी तीसरी चौथी वजह हो, अगर 3 तलाक कहकर अपनी पत्नी को छोड़ देता है और उसके पास बच्चे हैं, वो कहां जाएगी? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 AIPC, 125 CRPC, ये तीनों एक्ट है। निकाहनामे में इस कंडीशन को लिखाइए कि हमारा अगर खुदा ना खास्ता शादी टूटती है तो ट्रिपल तलाक से नहीं होगा
और अगर कोई करेगा तो मेहर का 5 दुगना अमाउंट देना पड़ेगा। आप ट्रिपल तलाक को गलत भी मानते हैं? बिल्कुल, आप मोदी सरकार के समर्थन में भी खड़े नहीं हैं। उसको गुनाह मानता हूं। तो गुनाह मानते हैं तो फिर सरकार का समर्थन करना चाहिए आपको। देखिए, रेमेडी इज वर्स देन द डिजीज। मैं फिर आपसे कहूंगी, रेमेडी मोदी जी लेकर आए हैं, इस वजह से आपको दिक्कत है। मैडम, आपको इतनी मोदी से मोहब्बत नहीं? मुझे मोदी से मोहब्बत नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रही हूं। अरे, मोहब्बत क्यों है मोदी से आप लोगों को? अरे छोड़िए ना, इंसान है, मैं भी इंसान हूं, आज नहीं कल सब जाएंगे, कोई टिकने वाला नहीं है। जब हिंदुस्तान के बड़े महलों के महले खंडर पड़ चुके हैं, रहने वाले नहीं रहे, तो ना मोदी रहेगा ना सत्ता। तो ये गुमान तो किसी को नहीं होना चाहिए, ये मुझे भी नहीं, किसी को नहीं होना नहीं, चाहिए नहीं, किसी को। लेकिन मैं फिर आ जाती हूं। देखिए, आपको प्रॉब्लम क्या है मीडिया में कि बस मोदी के खिलाफ कोई बोले तो एक तो आपको लगता है कि भाई थर्मामीटर 104 दिखा रहा है। अब नहीं मालूम क्या प्रेशर है आप लोगों पर। हमको तो कोई प्रेशर नहीं है, दबाव आप पर है, नहीं है बिल्कुल। मोदी की मुखालफत करके आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनना चाहते हैं। मोदी मोदी की मुखालिफत करेंगे, मोदी की पार्टी की करेंगे, मोदी के आइडियोलॉजी आरएसएस की मुखालिफत करेंगे, जब तक जिंदा रहेंगे मुखालिफत करते रहेंगे। इसमें आपका फायदा है, इसलिए आप मुखालफत कर रहे हैं, इसमें तो आपका फायदा है ना। आप ना आप रोक सकते हैं, सरकार के हर फैसले के खिलाफ चले जाते हैं, हर फैसले के खिलाफ। जमहूरियत है, यही जमहूरियत का मजा है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बीजेपी का क्या है कि जो मोदी के खिलाफ बोला इंटरनेशनल हो गया। अरे भाई, आप क्या नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जहां पर संविधान आज भी है? तो इनको लगता है कि उनके खिलाफ कोई बोलना है कि भाई हम कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी के नहीं है कि आए और थाली मारे, ओ हो करें। नहीं, हम मुखालिफत करेंगे। अब मैं आपसे यहाँ पर बैठ कर क्या मैं ओवैसी बनकर आपसे सवाल पूछूं? नहीं नहीं, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप मुझसे क्या चाहते हैं? मैं असदुद्दीन ओवैसी को जो सूट करे वो सवाल पूछूं? नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप नहीं, मुझे लग रहा है कि आप मुझसे वही चाहते। सुनिए, आप मुझे हर सवाल करिए, मगर मोदी को प्रोटेक्शन करने का सवाल मत करिए। क्यों हारा आपने? देखिए, मध्य प्रदेश राजस्थान जो हारे हैं ना, इनको सबक लेना चाहिए इससे। आप बड़े खुश हैं कांग्रेस की जीत से? इससे नहीं, हम तो कांग्रेस हरा है यहाँ पर। राहुल श्री, आप क्या रहे ना, 3 राज्य हारे हैं मोदी, तो श्री, मतलब खुशी ही तो हुई कांग्रेस की जीत। जनियोधारू श्री श्री राहुल गांधी हैदराबाद को आए थे, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 सभाएं की और तीनों जगह पर उनके कैंडिडेट ने बुरी तरह हारा, 2 जगह डिपॉजिट उनकी चले गई। तो हमने यहाँ कांग्रेस को भी हराया है, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी के मंदिर जाने से चढ़ क्यों है आपको? अरे जाइए, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल जाइए, मगर आप ये कहते हैं जनियोधारू और असदुद्दीन ओवैसी कम्युनल। आप जनियोधारू हो सकते हैं, असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान नहीं हो सकता। हम पे तनखीद, हम बी टीम सी टीम और आपके साथ 8 साल रहे तो क्या दूध के धुले हुए थे? यही तो प्रॉब्लम है कि हिंदुस्तान की सियासत बाइपोलर नहीं होना चाहिए। एक तरफ मोदी, एक तरफ राहुल, आप लोगों को सूट करता दोनों है। दोनों में ज्यादा अच्छा कौन है? अरे हम तो कह रहे हैं कि इन दोनों से अच्छा KCR है, रीजनल पार्टीज है। ये तीसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। राहुल गांधी को, कांग्रेस को हराया हमने। नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस एक फॉर्मेशन की जरूरत है और हम पूरी उम्मीद करते कि हमारे चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, और कल जगन ने भी कहा है कि KCR जगन मिलेंगे तो 42 सीट्स पर स्वीप करेंगे और होगा, देखना आप। ये मैंने फिर मैं अपने पुराने सवाल पर आ जाती हूँ, राहुल मोदी में बेहतर कौन है, अच्छा कौन नेता है? दोनों भी इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हुए आ जाते हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर। 1.25 अरब की हमारी आबादी है, जिसमें हिंदुओं की तादाद सबसे ज्यादा है, और सेंटिमेंट कहता है कि राम मंदिर बनना चाहिए, फिर आप मुखालफत क्यों करते हैं? आप संविधान में बदलाव ला लीजिए, आप कह दीजिए कि संविधान में सेंटिमेंट होगा। आपने इकोनॉमिक बैकवर्डनेस तो ला लिया, आप लिख दीजिए सेंटिमेंट भी लिख दीजिए, ठीक है, कर दीजिए, आपको कौन रोक रहा है? यही तो हम कह रहे हैं कि संविधान जो है रिलीजन न्यूट्रल है, और संविधान की जो कुर्सियों पर, जो सत्ता की कुर्सियों पर जो लोग बैठे हैं, उनको भी रिलीजन न्यूट्रल होना पड़ेगा। राम मंदिर पर क्या होना चाहिए? राम मंदिर पर क्या होना चाहिए? जो सुप्रीम कोर्ट में होगा, जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, उस पर सबको मानना पड़ेगा। 2010 का फैसला तो यही कहता है, जमीन को अगर 3 टुकड़ों में बांटा गया, लेकिन रामलला जहां पर विराजमान है वो हिस्सा तो उन्हीं को दिया गया। जो 2010 का जजमेंट है उसमें ये कोई पार्टीशन सूट नहीं था, वो टाइटल सूट था, उन्होंने उसको पार्टीशन कर दिया कि आपका ये, आपका ये, आपका ये। जब मसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये क्या जजमेंट दिया गया है, स्ट्रेंज लव्ज स्ट्रेंज इस्तेमाल हुआ, उन्होंने स्टे लगा दिया उसके ऊपर। तो ये टाइटल सूट है, टाइटल सूट एविडेंस की बुनियाद पर डिसाइड होगा। मतलब इस मामले में कम से कम मुझे लग रहा है आप मोदी जी के साथ जाना चाहेंगे। नहीं, उन्होंने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा है कि कोर्ट में है मामला, फैसला आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे। हमने कहा था इसी ABP प्रोग्राम में कि ऑर्डिनेंस लेकर आएंगे, मतलब लाओ ऑर्डिनेंस, बताओ, लाके बताओ।
मैंने सरकास्टिकली कहा के बताइए ऑर्डिनेंस बताइए। प्राइम मिनिस्टर को अब ख्याल आया कि ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते, वो इसलिए कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहले जुडिशियल जजमेंट है उसको देख लीजिए, जुडिशियल प्रोसेस को पूरा कर लीजिए। आप अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो पे चलेंगे, संविधान पे चलेंगे, बताइए। लेकिन रामलला का जहां जन्म हुआ था, अगर वहां मंदिर नहीं बनेगा तो आपको लगता है कि ये सही है? आप कोर्ट में केस चल रहा है, आप कोर्ट में केस जीत लीजिए या हारिए वो कोर्ट तय करेगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही अर्ज कर रहा हूं कि अगर मिस्टर मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी नहीं है। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश है, वो बीजेपी के नहीं है। आपने संविधान के ऊपर ओथ लिया है तो आप कैसे अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी पर चलेंगे? चलिए छोटे छोटे कुछ और सवाल मैं पूछ लेती हूँ। राम मंदिर पर हमने समझ लिया है कि आप क्या चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप इंतजार करेंगे। आगे बढ़ते हुए नसीरुद्दीन शाह, उन्होंने हालिया जो बयान दिया था, आप हंस रहे हैं, उनको डर लग रहा है, उनको चिंता हो रही है, गुस्सा हो रहा है, वो नाराज हो रहे हैं, आप हंस रहे हैं? नहीं, मैं हंस इसलिए रहा हूं कि एक एक्टर है जो ये कहता है कि मैं इस्लाम के ऊपर नहीं चलता हूं, जिनकी वाइफ मुसलमान नहीं है, उन्होंने कहा है कि मैं अपने बच्चों को भी इस्लाम की तालीमात से आगाह नहीं किया हूं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बीजेपी के लोग, तसव्वुर इसी को कहां करेंगे। इसलिए आ रही है कि एक इस तरह के आदमी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो आप मुझे कहां करेंगे। वैसे साहब, चूंकि हमारी एक कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो देश के कुछ पत्रकारों के सवाल भी मंगाते हैं आपके लिए, एक एक करके मैं 5 सवाल हैं जल्दी से ले लेती हूं। पहला सवाल, आप बहुत अमन की, भाईचारे की, सद्भाव की बात करते हैं, तो राम मंदिर के लिए सहमति बने, आम सहमति बने, इसके लिए आप कोई कोशिश क्यों नहीं करते? आप सुप्रीम कोर्ट में जब मसला तय है तो इससे बड़ा और क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है क्या हमारे मुल्क में? सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा, सबको मानना पड़ेगा। अगला सवाल, आपके बयानों में ऐसा क्यों लगता है कि जैसे वो हिंदू मुसलमानों को भड़काने का एक प्रयास हो रहा हो, उनकी भावनाओं को जगाने का एक कोशिश हो रही हो, ऐसा लोगों को क्यों लगता है? क्या मैंने कहा था कब्रिस्तान शमशान? क्या मैंने कहा था कि मैं अली को नहीं मानूंगा? क्या मैंने ये कहा था कि ये रिलीफ कैंप इसलिए चलाए जाएंगे ताकि यहाँ पर बच्चे ज्यादा पैदा हो? अगर आपको मेरे बयानात से गलती लगती है, आप केस फाइल करिए, बताइए कितने केसेस आपने फाइल किए मेरे खिलाफ। अगला सवाल, वैसे अब जो चुनाव आने वाले हैं उसमें आप किसको प्रधानमंत्री देखना चाहेंगे, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को या मायावती को? मुझे पूरा यकीन है कि रीजनल पार्टीज इन दोनों को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकेंगे। मायावती, मुझे नहीं मालूम रीजनल पार्टी में क्या फैसला होता है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस देश को जरूरत है कि रीजनल पार्टीज एक नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनाए, ये देश के हक में होगा। ठीक है, देश के एक और पत्रकार हैं, उनका ये आखिरी सवाल। नसीरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि इस देश में डर और नफरत का माहौल है, आप इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करेंगे? संविधान जब तक रहेगा, इस संविधान हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम बेखौफ होकर इन तमाम के खिलाफ कहते रहे। चलते चलते एक आखिरी सवाल, बीजेपी आपको अपना विरोधी मानती है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी का एजेंट, क्या है आप? यही तो परेशानी है कि बीजेपी मुझे एंटी नेशनल कहती है, कांग्रेस मुझे बी टीम कहती है। ये इनका गुरूर है, ये इनका अहंकार है। कांग्रेस को लगता है कि ये जब तक हमारे साथ नहीं आएगा हम इसको इस तरह गाली देते रहेंगे। मैं कांग्रेसियों से कहना चाहूंगा, जितनी गालियों की डिक्शनरी है अगर वो मुकम्मल नहीं हुई तो और दीजिए, मगर आपके इन गाली और इल्जामात की बुनियाद पर मैं आपके साथ कभी नहीं ठहरने वाला हूं। और बीजेपी भी लाख कह ले, एंटी नेशनल क्या क्या कहना चाहे कह ले, हम इनके इन इल्जामात से या इनके ताकत से या इनके इन बकवास से डरने वाले नहीं है। ठीक है, 2019 के इलेक्शन में तेलंगाना के अलावा कहां कहां पर आपके लोग चुनाव लड़ने वाले हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कहां कहां लड़ेंगे? महाराष्ट्र में चौतरफ लड़ेंगे, पर अभी इतनी जल्दी हो जाएगा? लेकिन समय तो बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ, नहीं, हमारे दिमाग में हमारे पार्टी के जिम्मेदारों से बातचीत हो रही है। फिर भी कुछ महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब से हमारी बातचीत हो रही है, वो और हम साथ जाएंगे, देखेंगे अभी आगे बताएंगे। अभी उसको लेकर कोई खाका तैयार नहीं हुआ है? खाका तैयार है, मगर बोल नहीं सकते, अभी आप बताएंगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए। देखिए, इनका चुनाव चिन्ह है पतंग, लेकिन अपनी जुबान से बड़े बड़े लोगों के डोर काट लेते हैं, और वही आपने सुना भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हमारे हर सवाल का बेहद बेबाकी से जवाब दिया। आज हैदराबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इतना ही, लेकिन अगले शनिवार एक और बड़ी शख्सियत से कराएंगे आपकी मुलाकात।
तब तक के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।